मिट्टी के घर, ये हमें हमारे गुजरे वक्त की याद दिलाते हैं। हमारे पूर्वजों ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं मिट्टी के घरों में गुजारी थी। इन घरों का बारिश में ढह जाने का खतरा बना रहता, यही कारण था जिसकी वजह से मिट्टी के घरों का बनना कम होता गया। मिट्टी के घरों के बारे में बात करते ही हमारे जहन में गांव की तस्वीर झलक आती है, जहां पर छोटे छोटे मिट्टी के मकान बने होते थे। लेकिन आज हम इस ज्ञान यात्रा में बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर के बारे में जहां आज भी मौजूद है दुनिया की सबसे ऊंची मिट्टी की इमारतें। यह इमारतें सैकड़ों साल पुरानी है और इन सैकड़ों सालों में इन इमारतों पर ना ही बारिश का असर हुआ है और ना ही तूफानों का। ये मिट्टी की इमारतें आज भी पूरी मजबूती से खड़ी है। मध्य पूर्वी देश यमन के सिबम शहर में खड़ी है ये मिट्टी की गगनचुंबी इमारतें। यहाँ पर बने हुए सभी घर मिट्टी के हैं और उनमें लगभग 500 टावर है जो 5 से 11 मंजिला ऊंचे हैं, जिसमें प्रत्येक मंजिल में एक या दो कमरे हैं। इन इमारतों को ईंटें बनाने वाली मिट्टी से बनाया गया है और आज भी इन पर रेगिस्तान के बेरहम मौसम का बिल्कुल असर नहीं हुआ है। सिबम शहर में बनी हुई ये इमारतें दुनिया भर में मशहूर है और इन इमारतों में आज भी लोग रहते हैं। इस शहर की जनसंख्या 60,000 के करीब है। यहाँ के ज्यादातर लोगों का व्यवसाय पशुपालन है। सिबम को रेगिस्तान का शिकागो या रेगिस्तान का मैनहट्टन भी कहा जाता है। शहर में मौजूद मिट्टी की पुरानी इमारतों की वजह से 1982 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था, लेकिन 2015 में यमन में गृह युद्ध छिड़ गया। इस गृह युद्ध के दौरान विद्रोहियों द्वारा कार बम विस्फोट करने के बाद शहर की इमारतों को काफी क्षति हुई। इसी इलाके में बमबारी भी हुई थी। यमन में शुरू हुए गृह युद्ध से हुई क्षति के कारण 2015 में यूनेस्को ने सिबम शहर को यहाँ की जोखिम में सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया। सिबम शहर को दुनिया की सबसे पुरानी गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर के इतिहास के बारे में बात करें तो यह शहर 1530 में आई भयंकर बाढ़ के कारण पूरा तबाह हो गया था। बाद में यहाँ एक और शहर बनाया गया, जहाँ पर बनाई गई ऊंची ऊंची मिट्टी की इमारतें। सिबम शहर 20वीं शताब्दी में कैती सल्तनत के 3 प्रमुख शहरों में से एक था। यहाँ का औसतन तापमान 28 डिग्री तक रहता है। रेगिस्तान की तपती गर्मी की वजह से इन इमारतों की मिट्टी ईंटों जैसी सख्त बन गई है। इतनी गर्मी के बावजूद इन घरों और इमारतों के रूम बिल्कुल ठंडे रहते हैं। यहाँ के घरों में बिना एसी के भी आराम से रहा जा सकता है। इन इमारतों में इस्तेमाल हुई मिट्टी में कुछ ऐसे तत्व है जो गर्मी और धूप को सोख लेते हैं। इमारतों को ज्यादा मजबूती देने के लिए इनमें कई जगहों पर लकड़ी का इस्तेमाल भी किया गया है। दोस्तों, आज की ज्ञान यात्रा में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।